गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि मैं आज आपको लेके जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है, एक बहुत ही तारीखी और बहुत ही जो कहते हैं ना अमेजिंग प्लेस है, आप सबको दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप सब ने वीडियो को कम्प्लीट वॉच करना है। आज हम जा रहे हैं यार एबटाबाद में, बहुत ही तारीखी घर है हमारे जो तरीके सुबहजारा के चेयरमैन हैं बाबा हैदर जमान का घर, उनके घर में आज हम विज़िट करेंगे। ठीक है, और उनकी जो ज़िंदगी थी उसके बारे में एक आपको मुख्तसर सा खुलासा पेश करेंगे, और उनकी जो रिहाइश गाह है वो उसके बारे में भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप सब ने वीडियो में बने रहिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबके लिए और हमारे लिए भी, क्योंकि जो हमारे तरीके सुबहजारा के चेयरमैन थे बाबा हैदर जमान, उनकी रिहाइश गाह पर हम जाएँगे। ठीक है, मज़ीद जो भी रास्ते में होगा वो आप सबके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, वीडियो में आप सब बने रहिए, तो मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आज हम जाएंगे एबटाबाद की मशहूर तरीन जगह जहाँ पर बाबा जी रिहाइश पसीर थे। तो फाइनली अभी हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। आज राजे ने नई सेम्टी भी ली है। आ जाओ यार, अभी चलते हैं नीचे की जानब, तो आपको बताते हैं साथ साथ। आज ये रहा ब्रदर घर है बाबा जी जहाँ पर होते थे। अभी हम जा रहे हैं, मैंने उस्मान भाई से बात की थी कि आज हम आ रहे हैं, उस्मान भाई भी होंगे इधर, से मिलते हैं, साथ साथ आपको मज़ीद जो बातें हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, ठीक है, हमारे उस्मान भाई, अंदर चलते हैं, आपको साथ साथ बताते हैं और भी चीज़ें। आज मैंने आपको बताया था आज हम जाएंगे बाबा जी की रिहाइश गाह पर, जहाँ पर उनके भाई रिहाइश पज़ीर आज का। ठीक है, तो आपको साथ साथ और भी बताएँगे। और सुनाए उस्मान भी, कैसे हैं? शुक्र जी, आप शुक्र अल्लाह पाक का, सब बेहतर है, तबीयत ठीक है, बैठे जी। आए जी राजा साहब, बैठे जी। आए राजा जी ने यकीन वाले तो खुवारी वाला दिन गुजरा है, आज मेरा यकीन जाने। इन्होंने आई 70 ली है नई वाली। ठीक है, कौन सा मॉडल है? 19 मॉडल लिया है, लेकिन आते हुए ठोका भी है मेरा। आज राजा जी का हल्का सा जो है ना छोटा सा इंसिडेंट हुआ है, बस ये बचत हो गई है। दुआ करें, बड़ा खुश हुआ है चेहरे पर मुस्कुराहट देखी। बिल्कुल जी, राजा जी बस ऑलवेज स्माइलिंग फेस। उस्मान भाई आप सुनाए जी, क्या नहीं था जी है, और सब ठीक ठाक है ना? फ्रेंड्स, ये है जहाँ पर बाबा जी का गुजरा है, आपको मैं साथ साथ दिखाता हूँ। बाबा जी की यहाँ पर कुछ यादगार चीज़ें भी हैं, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने एक गिफ्ट देखा था, मुझे बड़ा पसंद आया, अभी मेरी नज़र पड़ी है उस पर, वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, ये मार्फोर के सिंह पड़े हुए हैं लाइट्स। हाँ ये यार, ये बाबा जी को शायद गिफ्ट किया था, बहुत ही प्यारी चीज़ है, ये मार्फोर के ओरिजिनल सिंह है। ठीक है, ये मुझे बड़े पसंद है, मैंने सोचा व्यूअर्स को भी दिखा दूँगा। तो ये उजरा है बाबा जी का, जहाँ पर बाबा जी कुछ बैठे होते थे। तो आजकल जो है यहाँ पर उनके छोटे भाई होते हैं, ठीक है, उस्मान भाई लोग। ये बाबा जी की जो है यादगार चीज़ें, जिनमें से कुछ है उनकी लाइब्रेरी वगैरह जहाँ पर वो किताबें वगैरह पढ़ते थे, ये माशाल्लाह से। तो बस यार हमारे बहुत ही अच्छे लीडर थे हज़ारा के, अल्लाह पाक उनको उस जगह का आराम नसीब करे। और उन्होंने हमारे लिए बहुत सी जो है मेहनत की थी, और बहुत सी उनकी जो काविशें थी हमारे लिए, बहरहाल अल्लाह पाक उन उस जगह का आराम दे और हमें तौफीक दे कि हम जो है इस तहरीक को आगे लेकर चलें। तो फ्रेंड्स, अभी ये है कि मैं चलता हूँ ऊपर एबटाइड्स पे, अभी यार टाइम भी तकरीबन शायद 5 के लगभग है। यहाँ से ऐसा करते हैं कि ऊपर जाते हैं, वहाँ के जो प्यारे प्यारे व्यूज़ हैं वो आपको दिखाएंगे। अभी शाम का टाइम है, बहुत ही मज़े के व्यूज़ होंगे वहाँ पर, व्यूअर्स को वो भी दिखाएंगे। वीडियो में आप सब बने रहिए, ठीक है, आ जाएँ। अभी बाहर जाते हैं, फिर आपको व्यूज़ वगैरह दिखाते हैं साथ साथ। उस्मान भी आपने जाना है? नहीं नहीं, आप लोग जाएँ। ठीक है, उस्मान भी इधर ही हैं, तो वापसी भी फिर हम यहाँ पर आएंगे उस्मान भाई की तरफ, फिर इनसे जब जब करेंगे। ठीक है ब्रदर, हम लोग आएंगे आप।
राजा साहब लेट्स गो। आज हाँ जी राजा जी बैठे गाड़ी पे, हम चलते। राजा जी ने नई सेम्टी लिया और प्यारी प्यारी फोटोज ले रहे हैं। ठीक है ना, आज निकालेंगे सेम्टी, निकाले हम ऊपर का एक व्यू ले आते हैं छोटा सा। उस्मान भी खींचेंगे, वो भी उनको मैंने बोला कि हम लोग आते हैं छोटा सा ऊपर से होके। तो अभी नई सेम्टी है, इसकी राइड भी करनी है, बिल्कुल न्यू है। ब्रांड न्यू यार। यहाँ पर यार आजकल कंस्ट्रक्शन का काम बड़ा जोरों शोर से जारी है। ये बिल्डिंग्स आप देख सकते हैं मेरे सामने, क्योंकि यहाँ पे ये है कि जगह काफ़ी रेंज पे जा रही है, मतलब अच्छी जगह है उसके हिसाब से। हर तरफ से यार अच्छी जगह ये है कि यहाँ पर आपको बहुत प्यारी प्यारी जगह मिलती है, व्यूज मिलते हैं अच्छे खास से। मेरे बैक साइड पे देखो यार कैसे कैसे मज़ेदार व्यूज आपको नज़र आ रहे हैं। राजा जी भी फॉर्म में जा रहे हैं। सो अमेजिंग। वीडियो में बने रहिए आप सब। गाड़ी अच्छी है यार, काफ़ी अच्छी गाड़ी है, गाड़ी बहुत ही प्यारी यार। नज़र नहीं लगाना अभी यहाँ से नीचे ना हो जाए। नहीं यार। फाइनली यार अभी हम बिल्कुल जो है ना एबर्ट हाइट्स की टॉप पे आ गए हैं। यहाँ से आपको ना पूरे एबटाबाद का वन बाय वन और बहुत ही प्यारा नज़ारा मेरे पीछे देखो यार, ये एबटाबाद नज़ारा बहुत ही प्यारा नज़ारा है एबटाबाद का। तो यहाँ पर ये राजा जी की न्यू ब्रांड 70 ब्रांड न्यू 70 देखो यार बड़ी प्यारी 70 ली है राजा जी ने आज। आपको मैं इसके व्यूज दिखाता हूँ जो एबर्ट हाइट्स पे जैसे लिख लोग कहते हैं यार, बाकी मजे का व्यू अभी मैं आपको दिखाता हूँ साथ साथ। हाँ जी ये रहा, ये देखो यार फ्रेंड्स नीचे देखो, वो चीज जो है ना अमेजिंग प्लेस है, अमेजिंग जिसे कहते हैं ना, अमेजिंग प्लेस है यार, मज़ेदार जगह है, एक नेचुरल व्यूज है बिल्कुल यार। हाँ जगह वैसी यार, जगह देखो यार बड़ी खतरनाक जगह है यार, पत्थर शत्थर है काफ़ी, तो इससे ऊपर भी है। बहरहाल अभी टाइम थोड़ा सा कम है इसलिए अभी हम नहीं जा सकते, तो बस यहाँ से आपको मैं व्यूज़ वगैरह दिखाऊंगा। वो आपको नज़र आ रहा है एबटाबाद का रोड, वो टॉप पे यार मज़े का यार, अभी बहुत इन्जॉयमेंट है यहाँ पर, एक नंबर की इन्जॉयमेंट हो रही है। अभी साथ चलते हैं वहाँ पर, आपको दिखाता हूँ पूरे मुझे व्यू वगैरह नज़र आ जाए। राजा जी बताएं ना जी क्या बोलते हैं फिर आज आप? बस राजा जी आए फारी का दिन था, मैं क्या बोल सकता हूँ, मैंने जो बोलना था बोल दिया है आपको। ये देखें फ्रेंड्स दरख्त वगैरह बहुत अच्छे लगे, और यकीन माने अभी जो हवा चल रही है ना मज़ेदार हवा, एक नंबर की नेचुरल हवा। नो उसमें जो है ना वो कहते हैं कंटेमिनेशन, हाँ कंटेमिनेशन नहीं है ब्रदर, बिल्कुल मज़े की हवा है। वो सामने आपको अगर व्यू नज़र आ रहा है वो एबटाबाद का मेन रोड जो है, बड़ा प्यारा मंजर दे रहा है, मज़े का नज़र आ रहा है। ठीक है तो और भी मैं आपको मजीद व्यूज दिखाता हूँ फ्रेंड्स। करते हैं टाइम भी तकरीबन क्या टाइम हो रहा है, 5 हो गया मेरे ख्याल से, और हमने घर जाना है। ठीक है आपको पता है हवेलियाँ तक हमें जाना है यार, निकालो बाइक निकालो, तो अभी घर की तरफ निकलेंगे हम लोग। ठीक है बस अभी टाइम भी थोड़ा सा कम है, नहीं तो और भी आपको मजीद दिखाता। बहरहाल अभी ये है यार फ्रेंड्स कि टाइम थोड़ा कम रह गया, हमने अभी जो है ना यहाँ से निकलने वाली करनी है जिसे कहते हैं ना, टाइम शॉर्टेज है और अभी हम निकल रहे हैं घर की तरफ। ठीक है नीचे जाते हैं, उस्मान भाई से भी मिलते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उसके बाद फिर हम अपने घर की तरफ निकलेंगे। ठीक है फिर साथ साथ जो रास्ते में ब्रेक पॉइंट हुआ या कोई मज़ेदार सा जो इंसिडेंट हुआ वो आपके साथ शेयर कर देंगे। फ्रेंड्स वीडियो में बने रहिए।
अभी हम घूम फिर के नीचे आ गए हैं। दरअसल अभी टाइम भी तकरीबन रात का होने वाला है, वो भी देखते हैं घर की जानब निकलते हैं। ठीक है, उस्मान भाई तो बोल रहे थे यार आप लोग इधर ही रात को स्टे करें, पर नहीं यार आपको पता है यूनिवर्सिटी का भी जो होता है ना बीच में हमारा वो सीन सा बना हुआ है, इसकी जानब फिर जो है ना करते हुए भी कुछ ना कुछ जो है करना पड़ता है। लाइट लगाओ यार, ये अपने इस्माइल भाई वदर कैसे हो यार, ठीक हो, बैठो भाई। तो यार अभी हम लोग काफ़ी जो है ना घूम फिर के जो है बिल्कुल अभी रिलैक्स होकर बैठ रहे हैं। अभी इस्माइल भाई से भी मुलाकात हो गई, इस्माइल भी दिन को नहीं थे, अब दिन को भी आए हैं, काफ़ी टाइम यहाँ पर रुके रहे हैं तो इस्माइल भाई नहीं थे यहाँ पर, अभी इनसे भी मुलाकात होगी। सुनाए ना ब्रदर क्या हो रहा है आजकल? ब्रदर बिल्कुल मज़े में मस्त। तो यार अभी बस ये करते हैं, अभी हम घर की जानब निकलते हैं क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, रात का टाइम हो गया और वैसे भी विंटर स्टार्ट हो गई यहाँ पर, तो अभी बस मुझे तो ठंड लग रही है थोड़ी थोड़ी, मैंने शर्ट भी हाफ पहनी हुई है, तो अभी बस यूँ। राजा जी क्या बोलते हैं फिर निकले? फिर रात हो गई है बहुत। राजा जी भी बोल रहे हैं यार अभी हम घर की जानब भी जाते हैं क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, और अभी बस भाई से मिलते हैं और फिर इंशाल्लाह घर की जानब। सो ब्रदर अभी हम चलते हैं यार। ओके फिर इंशाल्लाह चक्कर लगाएंगे रात को। नहीं नहीं अभी तो बस आपको पता है यूनिवर्सिटी का भी पीछे से सीन है हमारा। ओके तो फिर इंशाल्लाह लगाएंगे चक्कर। ओके ठीक हो गया और अब जा रहे हैं। ठीक है तो रास्ते में जो जो हुआ आपको बताएंगे, सही है राजा जी? हाँ राजा जी ने फुल मास्क पहन लिया राइडिंग बूट में, अपने आप को संभाल के बैठ लिया। अभी जो है शपाटू किस्म की राइडिंग करेंगे, शपाटू किस्म की। फ्रेंड वीडियो में बने रहिए यार। बाद में आ गए हैं, अभी यहाँ से हम राजा जी 70 चलाएंगे, आप देखते हैं राजा जी कैसे चलाते हैं। यार चादर निकाल के दो ना यार, ठंड है बड़ी यहाँ पर, बड़ी ठंड है यार। ये मैं पंप पे खड़े हैं और मैंने सोचा इसे यहाँ से चादर ले लेता हूँ क्योंकि ठंड लग रही है यार, बड़ी सर्दी हो गई है थोड़ी सी, चादर दे दो यार। ये रही अपनी चादर। खोलो यार इसको, खोलो यार इस चादर को, खोलो कुछ के ऊपर फेंक दो। एक मिनट यार। तो यार अभी मैं राइडिंग मूड पे, ठीक है तो मिलते हैं वीडियो में। इधर अवेलिया में आ गए हैं, सर्दी बड़ी थी यार। अभी चेक करते हैं कि पेट्रोल वगैरह है या नहीं है गाड़ी में। पेट्रोल है राजा जी का? अभी पेट्रोल है गाड़ी में, दिलवाए ना पेट्रोल है यार, कल तक का हिसाब हमारे हिसाब से क्लियर है। तो APSO है यार, अभी पेट्रोल तो है, अभी चलते हैं यार, चाय पीनी है उधर जाएंगे तो फिर आपको वीडियो में साथ साथ मज़ीद बताएँगे। लोग इधर बैठे हैं अभी चाय वगैरह पी रहे हैं, राजा जी काल पे लगे हुए हैं। सर्दी बड़ी है यार, अभी चाय वगैरह स्कूल में टाइम स्कूल, तो अभी चाय के बाद ये करते हैं घर पे जाएंगे शायद। पहले टाइम हुआ नहीं है ना आज का यार, ये है कि व्लॉग इधर ही फाइनल करते हैं, यूनिवर्सिटी के पहले आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं। ठीक है तो फ्रेंड्स जो लोग चैनल पर नए हैं, छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, लाइक और सब्सक्राइब कर दो व्लॉग अगर अच्छा लगता है तो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ राजा जी। अल्लाह हाफिज़ जी। ठीक है फ्रेंड्स।